नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम और आप सब देख रहे हैं विक्रम गार्डनिंग नॉलेज। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ पोर्टुलिका के बारे में और इस नाइनोक्लो भी कहते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो देख पा रहे होंगे आप वीडियो में, ये 9 o'clock का वैरायटी है और इसकी कई वैरायटी आती है और ये बहुत ही खूबसूरत लगती है और ये सारों साल फूल आती है। ठंड में थोड़ी सी इसकी फ्लावर्स कम हो जाती है बट ये हमेशा फूल आते रहते हैं और इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि पोर्टुलिका, रोज मिक्स, 9 o'clock, संजीवनी बूटी, अनेकों नामों से इसे जाना जाता है और देखने में यह बहुत खूबसूरत लगता है। आप ये देख पा रहे होंगे, ये सिंगल पैटर्न है, सिंगल पैटर्न येलो कलर के, ये आपके पिंक कलर के, डबल पैटर्न गुच्छे में और ये आपके रेड कलर में देख पा रहे होंगे। बेहद ही रेयर है, बेहद ही अच्छे लगते हैं देखने में और ये लो मेंटेनेंस प्लांट्स है। आप इसे चाहें तो कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं इजीली। ये आप हल्के से कटिंग इसके अगर तोड़ के लगा लेते हैं, अगर आपके पास रिलेटिव के पास अगर इसके पौधे हैं तो आप वहाँ से छोटा सा कट आप ले सकते हैं और इसे इजीली ग्रो कर सकते हैं अपने अपने टब में, अपने छोटे से पॉट में, हैंगिंग पॉट में या छोटे पॉट में, किसी भी पॉट में इसे ग्रोथ कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे मल्टी कलर है, इसमें बहुत सारे मल्टी कलर आती है, वाइट, रेड, पिंक, मैरून, पर्पल और भी अनेक, ऑरेंज वगैरह बहुत सारे कलर हैं। तो हमारे यहाँ तो अभी ये कुछ ही कलर बचे हुए हैं अभी, जस्ट क्योंकि यहाँ एक नर्सरी है, यहाँ पर कलर रुकती नहीं है, तुरंत तुरंत सेल होते जाती है, जो रेयर रेयर कलर होती है वो तुरंत सेल हो जाती है। तो आप सब अपने गमलों में, घरों में ये प्लांट्स लगा सकते हैं, हैंगिंग पॉट में, बहुत ही अच्छी लगती है देखने में और ख़ास करके ये पूरी लो मेंटेनेंस है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, हल्की पानी में भी अच्छी सर्वाइव कर लेती है और कितनी भी गर्मी ये पड़े तो भी ये नहीं सूखती है। तो आप सब लगाएं अपने घरों में आप सब। तो मैं आज इसे हैंगिंग पॉट में भी लगा कर दिखाऊंगा कि किस तरह से आप पोर्टुलिया को हैंगिंग पॉट पर लगा सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इसे 9 o'clock भी कहते हैं, तरह तरह के नामों से जाने जाते हैं ये, और लो मेंटेनेंस प्लांट से। तो मैं इसे पॉट को होल कर लिया हूँ, इसमें हल्की कोकोपीट डाल देनी है ताकि मुझे गमले की वेट थोड़ी कम करनी है, इसीलिए मैं कोकोपीट का यूज़ कर रहा हूँ। आप लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, मतलब जितनी हो सके उतनी इसकी वेट आप कम कर सकते हैं। हल्की सी मिट्टी में कम कर लेता हूँ पोली की, इसकी वेट थोड़ा कम हो जाए और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें हर तरह के कलर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास जितने तरह के अवेलेबल है अभी फिलहाल, तो मैं 4-5 तरह के इसमें कलर डालने का कोशिश कर रहा हूँ। तो जब ये पूरे तरह से जब खिलेंगे तो कितनी खूबसूरत लगेंगे। हैंगिंग पॉट में आप जरूर लगाएं इसे, अपने बालकोनी में, अपने टेरेस गार्डन में, या आपके अगर गार्डन है छोटे मोटे होम गार्डन तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। बेहद ही लो मेंटेनेंस प्लांट्स है और हमेशा ये फ्लावर आते रहते हैं, देख पा रहे होंगे ये वाइट कलर। इसे मिक्स रोज भी कहते हैं। जितनी हो सके आप सोयल का कम प्रयोग करें ताकि आपकी वेट हल्के कम होंगे गमले की, वरना ज़्यादा वेट होने के कारण आपके गमले खराब हो सकते हैं जल्दी, इसीलिए कोशिश करिए कम से कम सोयल का इस्तेमाल करने का। आप लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट इसी तरह का कर सकते हैं आप। ये हमारे लग चुके हैं और ये मैं लास्ट लगा देता हूँ रेड कलर के, रेड कलर के यहाँ मिक्स हो चुके हैं तो ये मैं लगा लिया। अब जितनी जो थोड़ी सी बची इसे कोकोपीट से हल्का गैप को भर देनी है अच्छी से,
ताकि ये अच्छे से सेट हो सके और ये नमी बना रहे। ताकि अभी गर्मी का मौसम है, अभी काफ़ी गर्मी, हार्डी गर्मी आएगी तो फिर इसे नमी होना जरूरी है। ऐसे भी ये बहुत हार्डी प्लांट है, लो मेंटेनेंस है। अगर इसे आप एक हफ्ते तक पानी नहीं भी देते हैं फिर भी इसे कोई दिक्कत नहीं है, ये जल्दी नहीं मरते हैं। ये कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाती है। अगर आप कटिंग इसे लगाना चाहते हैं तो इसे एक स्टेम तोड़कर आप डाल सकते हैं। ये आपके 7 से 8 दिन में ये रूट जर्मिनेट कर लेते हैं। जैसे कि ये लग के तैयार हो चुके हैं और आप सबको मैं दिखाने वाला हूँ इसे कि ये कितने अच्छे लगते हैं। तो देखिए ये लग गए हैं और ये कितनी खूबसूरत लगती है। देखिए जब ये और ये फैलेगी तो कितनी अच्छी लगेंगे, आप सोच पा रहे होंगे कि ये कितनी खूबसूरत लगती हैं। आप चारों तरफ से मैं दिखा देता हूँ अच्छे से घुमाकर। तो आप इस तरह लगाइए, मल्टी कलर इसमें डालिए, 5-6 तरह का डालिए, आपके पास जितने तरह के अवेलेबल हो सके उतना डालिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।